जा रही हूँ वो है देखने में काफी स्टाइलिश और साथ ही साथ हाई एंड परफॉर्मेंस के साथ लेस है। हेलो मोटो, जी हाँ आपने अंदाजा सही लगाया। आज के शो में जिस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक में आपको बताने जा रही हूँ वो है मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा, जिसे इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है। क्या कुछ खास है इस फ्लिप प्रीमियम स्मार्टफोन में, आइए आपको दिखाते हैं। मोटोरोला की पॉपुलर सीरीज रेजर में एक नया स्मार्टफोन ऐड हो गया है और ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है रेजर 40 अल्ट्रा, जो कि एक फ्लिप स्मार्टफोन है। ओप्पो और सैमसंग जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए ये स्मार्टफोन अब इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है। शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। फर्स्ट लुक में ये स्मार्टफोन आपको काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखेगा। फुल साइज स्क्रीन की बात की जाए तो मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा में आपको 6.9 इंच की फुल HD OLED डिस्प्ले मिलेगी। वहीं रिफ्रेश रेट इसमें 165 हर्ट्ज का दिया गया है, 2640x1080 पिक्सल है। बैक पैनल की बात करें तो ये वीगन लेदर से बना है। हालांकि अगर इसका कंपैरिजन ओप्पो के N2 फ्लिप डिवाइस से किया जाए तो उसके मुकाबले ये काफी हल्का और स्लीक है। खास तौर पर जो इसका हिंज है वो नाक के बराबर ही महसूस होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट, जो कि है इसका एक्सटर्नल डिस्प्ले। इसके साइज की बात करें तो ये 3.5 इंच का है। अब तक जितने भी फ्लिप स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है उनके मुकाबले ये सबसे बड़ा कवर डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले के साथ इसका कवर डिस्प्ले को लॉन्च किया गया है। वहीं अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसका रेजोल्यूशन 1056x1066 पिक्सल है। इस स्मार्टफोन में आपको 1400 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है, जबकि अगर कवर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। रेजर 40 अल्ट्रा फ्लिप स्मार्टफोन पकड़ने में भी काफी हैंडी है। इसके कवर डिस्प्ले को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन फोन को ओपन किए बिना ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं, सेटिंग्स में जाना चाहते हैं या फिर कोई अपनी पसंदीदा गेम खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फोन खोलने की जरूरत नहीं है। आप 3.5 इंच की कवर OLED डिस्प्ले पर ही ये सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। फ्लिप होने की वजह से ये स्मार्टफोन एक ट्राइपॉड की तरह भी काम करता है। अगर आप हाई रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इसे फोल्ड करके या फ्लिप करके ये फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लुक में जो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई वो ये कि जो इसका कवर डिस्प्ले है वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान काफी दिखते हैं। डिस्प्ले और डिजाइन के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसके कैमरा सेटअप के बारे में। इस फ्लिप स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और इसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है। वहीं 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलेगा। अगर आप सेल्फी या फिर वीडियो कॉलिंग अक्सर करते हैं तो इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। साथ ही साथ इस फोन को पूरा ओपन किए बिना ही आप कवर स्क्रीन से ही सेल्फी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्लोमो, पैनोरमा, पोर्ट्रेट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा में आपको दमदार प्रोसेसर मिलता है। एंड्रॉयड 13 पर यह पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। वहीं इस स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर मिलता है। इस लेटेस्ट फ्लिप स्मार्टफोन में आपको 12GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। रेजर 40 अल्ट्रा को एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो कि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। बैटरी के हिसाब से इस स्मार्टफोन को देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी साइज आपको कब लगेगा। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 3800mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 33 वॉट टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इसमें 5 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं इस लेटेस्ट फ्लिप स्मार्टफोन की कीमत की। अगर आप मोटोरोला का रेजर 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए दाम है करीब करीब 90,000 रुपए। लेकिन अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आप 7,000 रुपए का कैश बैक भी पा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन पर इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। वहीं ऑफलाइन के लिए आप रिलायंस डिजिटल के स्टोर पर जा सकते हैं और इसकी सेल की शुरुआत करें तो ये 15 जुलाई से मिलना शुरू होगा। तो ओवरऑल देखने में काफी स्टाइलिश है, एक हाई एंड प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में फ्लिप स्मार्टफोन आता है। इसका डिटेल रिव्यू भी हम जल्द आपको टेक गुरु में बताएंगे।